हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग? कैसे हैं सभी बच्चे? उम्मीद करता हूँ सभी बच्चे मौजे में होंगे। मौजे में तो मौजे में होने के साथ साथ उम्मीद है तैयारी भी सभी बच्चों की बहुत बढ़िया चल रही होगी। और हमारी चल रही थी एमसीक्यू सीरीज़, और अब समय है एमसीक्यू सीरीज़ के आगे के क्वेश्चंस करने का। क्लास 12th के बच्चे फटाफट से रेडी हो जाएं, क्योंकि अब हम स्टार्ट करने वाले हैं अपने आगे का क्वेश्चन। तो चलिए बच्चों, बिना देरी किए क्वेश्चन आगे का देखते हैं। आगे कौन से क्वेश्चन अपन को करने हैं? लास्ट एग्जाम लास्ट अपनी क्लास में मैंने आप लोगों को आई थिंक करा दिया था क्वेश्चन नंबर 30 तक, राइट? क्वेश्चन नंबर 30 तक कराया था, और आज हम देखेंगे 30 से आगे वाला क्वेश्चन, 31 क्वेश्चन। तो देखिए, ये है हमारा क्वेश्चन पेपर, और आज इसके आगे वाला क्वेश्चन अपन को डिस्कस करने जाना है। तो देखिए, आप जैसे कि स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं कि क्वेश्चन के अंदर क्या लिखा हुआ है। मैच द फॉलोइंग का क्वेश्चन है, और एमसीक्यू सीरीज में बोर्ड एग्जाम में आपके बिल्कुल ऐसे क्वेश्चंस आ सकते हैं। बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपके क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ध्यान से देखिएगा। किसी तरीके का कोई भी कन्फ्यूजन है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं, अपने डाउट बता सकते हैं, मैं आपका डाउट भी क्लियर कर दूंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 31 के ऊपर। क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 31? मैच द फॉलोइंग, इसमें लिखा हुआ है इशूड शेयर टू प्रमोटर। अब कहते हैं इशूड करते हैं अगर अपन प्रमोटर को अपने शेयर, तो कहाँ पर किस तरीके से हमारा जो है एंट्री होनी चाहिए इसकी। देखो, प्रमोटर को जब इशू करते हैं तो एंट्री क्या करते हैं? इनकॉर्पोरेशन एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, ठीक है। और री इशू आप शेयर करते हो तो अगर आप सब बच्चों को एंट्रीज पता है तो जब आप री इशू आप शेयर करेंगे तो री इशू आप शेयर करते वक्त क्या एंट्री होती है? बैंक अकाउंट डेबिट शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, यानी फर्स्ट का ए का तो सेकंड, ए का सेकंड बी ऑप्शन में भी आ रहा है, डी में भी आ रहा है, सी में भी आ रहा है, और बी ऑप्शन का वन, बी ऑप्शन का वन वो केवल सी में आ रहा है। तो यानी उम्मीद तो यही है आंसर सी ही होना चाहिए। आओ फिर भी हम पूरा चेक कर लेंगे। फोर फीचर ऑफ शेयर, फोर फीचर ऑफ शेयर की क्या एंट्री होती है? फोर फीचर ऑफ शेयर की होती है फोर्थ नंबर की, शेयर कैपिटल टू शेयर फोर फीचर टू कॉल्स इन अरियर्स, है ना। तो देखो, यानी सी का कौन सा हो गया? फोर्थ, तो सी का फोर्थ ही रहा। इसी तरीके से डी, कंसिडरेशन अदर देन कैश की एंट्री क्या होती है? वेंडर टू शेयर कैपिटल, यानी डी का थर्ड। यानी हमारा आंसर बिल्कुल परफेक्टली क्या बैठ रहा है? हमारा आंसर बैठ रहा है 31 का सी। उम्मीद है क्लियर हो गया होगा। चलिए बच्चों, अब बात करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 32 की, ठीक है। तो देखो, 32 क्वेश्चन के अंदर क्या लिखा होगा? इफ एन एक्सेस ऑफ इशू प्राइस, इशू प्राइस मतलब मार्केट प्राइस, एक्सेस ऑफ इशू प्राइस ओवर द नॉमिनल वैल्यू, ओवर द नॉमिनल वैल्यू, नॉमिनल वैल्यू को हम क्या बोलते हैं? नॉमिनल वैल्यू को हम क्या बोलते हैं? फेस वैल्यू, है ना, ऑफ अ शेयर इज रिसीव्ड इज कॉल्ड। यानी अगर आपकी मार्केट प्राइस ज़्यादा हो, यानी इशू प्राइस ज़्यादा हो, देखो लिख देता हूँ, अगर इशू प्राइस अगर आपकी ज़्यादा हो और फेस वैल्यू से, तो यानी मान लो फेस वैल्यू 10 है, इशू प्राइस 12 रुपये है, तो ऐसे केस के अंदर क्या होता है? प्रीमियम होता है ना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? ए पॉइंट, यानी 32 का आंसर ए हो जाएगा, यानी प्रीमियम पर इशू होंगे। तो क्वेश्चन को बहुत ही तसल्ली से समझते हुए चलना है। उम्मीद कर रहा हूँ सभी बच्चों को अच्छी तरीके से मेरी बातें समझ में आ रही होंगी। आओ अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 33 की। तो देखिए, क्वेश्चन नंबर 33 क्या बोलता है? अंकित लिमिटेड वॉज रजिस्टर्ड विद एन विद अ कैपिटल ऑफ ₹3 लाख, ठीक है। तो सबसे पहले तो आप ये देखिए, रजिस्टर्ड कैपिटल है और कितने की है? 3 लाख इक्विटी शेयर है 100 ईच का, तो ये तो रजिस्टर्ड हो गई। इट इशूड 2000 ऑफ सच शेयर ऑफ 25, एप्लीकेशन पर है 25, अलॉटमेंट पर है 20, फर्स्ट कॉल पर है, बैलेंस एज एंड वेन रिक्वायर, ठीक है। द अमाउंट पेबल ऑन एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट वर ड्यूली रिसीव, बट द कंपनी डिड नॉट कॉल। देखो यहाँ से समझिएगा, कंपनी सॉरी डिड नॉट नहीं कुड नॉट कॉल द फर्स्ट कॉल टिल 31 मार्च 2021। अगर देखो क्वेश्चन को हम इस तरीके से लिखें कि हमारे 2000 शेयर्स थे, एक शेयर की कीमत ₹100 थी, ठीक है, 25 एप्लीकेशन पर हैं, 25 ही अलॉटमेंट पर हैं, 20 फर्स्ट कॉल पर हैं, और बैलेंस सेकंड कॉल के ऊपर थे जो एज एंड वेन रिक्वायर्ड लिखा हुआ है।
एज एंड वेन रिक्वायर्ड जब होता है तो अपन उसकी एंट्री करते ही नहीं है। लेकिन ये है एप्लीकेशन, ये है अलॉटमेंट और ये है फर्स्ट कॉल। लेकिन एक बात और खास बात बोल दी, क्या कंपनी कुड नॉट कॉल फर्स्ट कॉल, यानी कंपनी ने अभी तक फर्स्ट कॉल मांगी ही नहीं है। यानी कहाँ क्या मांगा है, एप्लीकेशन अलॉटमेंट। अगर मैं एप्लीकेशन अलॉटमेंट का जोड़ दूँ 25 + 25 तो कितने हो गए 50। अब आपसे पूछा गया है द टोटल अमाउंट टू बी रिसीव्ड बाय द कंपनी, यानी कंपनी को क्या रिसीव हुआ है। तो आप ये मान सकते हैं कि कंपनी को केवल और केवल एप्लीकेशन और अलॉटमेंट का पैसा यानी 50 रुपीज़ रिसीव हुआ है पर शेयर पे। 2,000 शेयर्स हैं, 50 रुपीज़ के हिसाब से अगर देखें तो कितना रिसीव हुआ है। तो यानी देखिए सभी बच्चों को मैं बोलता हूँ कि जो बच्चे तोते हैं रटने वाले हैं उनके लिए बड़ी मुसीबत आने वाली है, क्योंकि वो क्वेश्चन को समझते ही नहीं है, बिना समझे ही क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो रटने से काम नहीं बनेगा, पेपर जैसा भी आएगा कंसेप्चुअल आएगा। आपको कंसेप्चुअल स्टडी अगर आपकी अच्छी है तभी आप बढ़िया तरीके से पेपर को हैंडल कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक की बात सभी बच्चों को अच्छी तरीके से समझ में आई होगी। और हाँ, अब एक ज़रूरी बात, ज़रूरी बात क्या है कि मैं आपको ये बात बताना चाहता हूँ, जैसा कि आप सभी बच्चे स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं, ये हैं एडुका जोन के सैंपल पेपर। अगर अब तक आपने कोई भी सैंपल पेपर परचेज नहीं किया तो बिना सोचे समझे सैंपल पेपर एडुका जोन के परचेज कर लें, क्योंकि इतने बढ़िया सैंपल पेपर हैं। इसके अंदर सब तरीके की सारी इंफॉर्मेशन है। आपके CBSE पैटर्न के हिसाब से 10 सैंपल पेपर दे रखे हैं 2024 के, आप अपनी स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं। इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर दे दूंगा। क्लास 12th के मैथमेटिक्स के लिए अवेलेबल है, ठीक है, क्लास 12th के मैथमेटिक्स के लिए अवेलेबल है, हिंदी का अवेलेबल है क्लास 12th का, ठीक है, स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं, इंग्लिश का भी अवेलेबल है। और देख सकते हैं कि सारी, देखिए सारी डिटेल दे रखी है, 10 सैंपल क्वेश्चन पेपर हैं, CBSE के बोर्ड बोर्ड पेपर जो आपका CBSE का सैंपल पेपर है 2023 का, वो भी इसके अंदर दे रखा है, ब्रेनस्टॉर्म मैप्स दे रखे हैं। यानी हर तरीके से चीज़ बहुत बढ़िया तरीके से प्रेजेंटेशन करके आपको सारी बातें बता रखी हैं इसके अंदर। तो जल्द से जल्द जाएँ, चाहे आप क्लास 10th के बच्चे हैं चाहे आप क्लास 12th के बच्चे हैं, 10th और 12th के दोनों के CBSE के सैंपल पेपर आपको एडुका जोन के परचेज करने हैं, और आप अपनी तैयारी बढ़िया से बढ़िया कर सकते हैं इससे। बोर्ड एग्जाम में अच्छे मार्क्स के लिए जल्दी जाएं और बिना देरी किए उसको अमेजोन के लिंक जो मैंने दे रखा है उस पर क्लिक करें और फटाफट से ऑर्डर कर दें। और इस सैंपल पेपर से आप अपनी तैयारी करके बढ़िया मार्क्स गेन करें। तो बढ़ते हैं बिना टाइम वेस्ट किए आगे के अपने क्वेश्चंस के ऊपर। तो चलिए चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। तो ये देखिए, ये चल रहा था हमारा क्वेश्चन, और अब इस क्वेश्चन के अंदर देखिए क्या चीज लिखी हुई है, क्या लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 34, क्वेश्चन नंबर 34 क्या बात बोलता है आपको, क्वेश्चन नंबर 34 बोलता है एक्स लिमिटेड इशूड कितना 2,500 शेयर्स ऑफ 10 ईच क्रेडिटेड एज फुली पेड टू द प्रमोटर्स, प्रमोटर्स को दिए हैं अपन ने फॉर देयर सर्विसेज रेंडर टू द कंपनी। अगर आपको याद हो तो बच्चों जब भी हम प्रमोटर्स को शेयर्स देते हैं तो हम क्या एंट्री करते हैं, इनकॉर्पोरेशन कॉस्ट के थ्रू करते हैं, इनकॉर्पोरेशन कॉस्ट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल, इनकॉर्पोरेशन कॉस्ट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी, ठीक है जी। तो ये देखिए अब सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, देखिए सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35। बेसिकली क्या होता है, देखो सभी बच्चों को प्रैक्टिकल क्वेश्चन में तो अच्छी तरीके से तैयारी होती है सब, लेकिन यूजुअली क्या करते हैं कि थ्योरी क्वेश्चन छोड़कर चले जाते हैं, थ्योरी पढ़ के नहीं जाते बच्चे। तो ये 35th नंबर का क्वेश्चन है आपका थ्योरी क्वेश्चन, इवन क्वेश्चन नंबर 36 भी थ्योरी का है, कंपनी की थ्योरी का। हालांकि मैं अपने आई बटन के ऊपर, आप मैंने अपने यूट्यूब के ऊपर आई बटन के ऊपर मैं आपको दे रहा हूँ, मैंने लिंक डाल रखा है, मेरी वीडियोज हैं कंपनी की थ्योरी के ऊपर, तो आप उस कंपनी की थ्योरी को अच्छी तरीके से कर सकते हैं। आप लिंक पे जाकर, जो आई बटन के ऊपर लिंक है उसके ऊपर जाके फटाफट से क्लिक करें और सारी थ्योरी कंपनी की देख लें। इवन मैं आपको पार्टनरशिप की थ्योरी के लिए भी ऊपर आई बटन पे लिंक दे दूंगा, आप पार्टनरशिप की थ्योरी भी पूरी उसी से ही कर सकते हैं। अगर आप वो थ्योरी, वो पूरा आप वीडियो देख लेते हैं तो आपका थ्योरी का कहीं पर भी क्वेश्चन कोई मिस नहीं होगा, सारी थ्योरी एक्सप्लेनेशन है। और पूरे यूट्यूब के ऊपर आपको थ्योरी का स्पेसिफिक एक्सक्लूसिव थ्योरी का आपको कोई वीडियो नहीं मिलेगा, और मैंने वो आप लोगों के लिए दिया है, अच्छे तरीके से जाएं तैयारी करें स्पेसिफिक थ्योरी की। चलिए, सिक्योरिटीज प्रीमियम के ऊपर लिखा हुआ है, सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व्स को हम, क्योंकि ये रिजर्व्स है हमारा, इसको स्पेसिफिक कुछ यूजेस होते हैं कि स्पेसिफिक इन इन चीज़ों के ऊपर ही हम उसको यूज़ कर सकते हैं, ठीक है।
और वो जैसा कि मैंने आपको बताया थ्योरी के वीडियो के अंदर मैंने बता रखा है, एक चीज़ लिखवा रखी है, तो जब आप पढ़ेंगे आपको पता लग जाएगा। हालांकि मैं आप लोगों को एक बार बता देता हूँ, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व्स को इसमें पूछा गया किन पर्पस के लिए हम यूज नहीं कर सकते हैं, कैन नॉट बी यूज। तो जब आप पढ़ेंगे आपको साफ पता लग जाएगा कि उसमें जो लिखा है वर्किंग कैपिटल के लिए ये यूज नहीं हो सकता, बाकी आप इन तीनों कामों के लिए उसको यूज कर सकते हैं। आगे बढ़े, देखिए आगे लिखा है क्वेश्चन नंबर 36 के अंदर क्या लिखा है, इन केस ऑफ प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफ शेयर्स, इन केस ऑफ प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफ शेयर्स, ठीक है, टू रेज द अमाउंट ऑफ कैपिटल ऑफ अ कंपनी, यानी कहने का मतलब है प्राइवेट प्लेसमेंट कब की करते हैं अपन। आपने उम्मीद करता हूँ बिजनेस स्टडीज के अंदर भी, जो बच्चे बिजनेस स्टडीज भी आपने पढ़ी होगी, तो मार्केटिंग वाले चैप्टर के अंदर उसमें आपने ये चीज देखी होगी कि प्राइवेट प्लेसमेंट किसे कहते हैं। नहीं देखा तो मैं आपको बता देता हूँ, कंपनी शेयर्स इशू करती है, जब प्रोस्पेक्टस के थ्रू जब शेयर इशू करती है, आईपीओ जब कंपनी के निकलते हैं, तो ऐसे केस के अंदर प्राइवेट प्लेसमेंट के थ्रू अगर कंपनी अगर शेयर्स अपने आईपीओ इशू करे, तो प्राइवेट प्लेसमेंट का मतलब क्या होता है, कंपनी जितनी भी रिनाउंड जो ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, जैसे इंश्योरेंस कंपनी हो गई या बैंक्स हो गए, उनको डायरेक्टली पब्लिक को शेयर्स नहीं देती, ऐसी बड़े जितने भी रिनाउंड इंस्टीट्यूशंस होते हैं उनको अपने शेयर सारे शेयर्स दे देती है और कहती है अब आप हमारे शेयर्स बेचो और हमारे को सारा पैसा एक साथ दे दो। फॉर एग्जाम्पल मान के चलिए अगर इंश्योरेंस कंपनी ने सारा पैसा एक साथ कंपनी को दे दिया आईपीओ का, और सारे आईपीओ इंश्योरेंस कंपनी ने ले लिए, अब वो इंश्योरेंस कंपनी धीरे धीरे सेकेंडरी मार्केट के अंदर उनके शेयर्स निकालती है। तो इस क्वेश्चन के अंदर ये बात पूछी गई है कि क्या वाकई कंपनी यहाँ पर प्राइवेट प्लेसमेंट में रेज करती है अमाउंट ऑफ कैपिटल, किसको करती है, इनवाइट पब्लिक को करती है प्रोस्पेक्टस के थ्रू, नहीं, इनवाइट द पब्लिक थ्रू एडवर्टीजमेंट, नहीं, ठीक है, इनवाइट द पब्लिक, पब्लिक को तो इनवाइट ही नहीं करती साहब, तो बी पॉइंट में लिखा हुआ है डज नॉट इनवाइट द पब्लिक, तो यही सर आंसर है, क्योंकि तो पब्लिक को तो इनवाइट कंपनी करती ही नहीं है, किसको दे देती है, बड़ी रेनाउंड ऑर्गेनाइजेशन को दे देती है और उनको कहती है अपने शेयर हमारे बेचो, यही है प्राइवेट प्लेसमेंट में। तो तभी मैं आपको कहता हूँ थ्योरी को अच्छे तरीके से करने के लिए जल्द से जल्द जाएं और मेरी थ्योरी की क्लास को फटाफट से अटेंड करें जो मैंने यूट्यूब के ऊपर डाल रखी है। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छी तरीके से ये बात समझ में आई होगी, मैं उम्मीद करता हूँ मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, पसंद भी आया होगा, समझ में भी आ रहे होंगे, एमसीक्यू आपको फायदा भी दे रहे होंगे। अपने फ्रेंड सर्कल के साथ जल्द से जल्दी इसको शेयर कर दें, वीडियो को लाइक भी कर दें और कमेंट बॉक्स में भी मुझे बताएं, ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिले और आगे भी आप लोगों के लिए वीडियो कंटिन्यूसली लेकर आता रहा। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा, वीडियो पसंद आया है तो लाइक कर दें, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर दें, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए ओके, टाटा बाय बाय।